काफी कमाल का है। आप सब्जी वाले आ गए मेरे गले में सब्जी बेचने, तो थोड़ी देर। सो हाय गाइस, मैं शुभम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिक्सल 6a के बारे में, जो कि रिसेंटली मैंने 7 दिन पहले खरीदा है और 7 दिन मुझे इसे यूज करते हुए हो चुके हैं। और ऑलरेडी मैं पिक्सल का फैन हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिक्सल 4a यूज किया हुआ है। और इवन जब पहले सबसे पहले इंडिया में शायद ये फोन लॉन्च होता फ्लैगशिप कैमरे के साथ में नेक्सस 6P, वो भी मैंने यूज किया हुआ है। तो जब ये फोन लॉन्च हुआ था इसी टाइम से मैं गूगल का कैमरा एल्गोरिथम का फैन हो चुका था। तो यहाँ पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्सल 6a के बारे में कि पिक्सल 6 से 44,000 की कीमत पे ठीक है या नहीं है, क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। क्योंकि अगर आप 44,000 रुपये खर्च कर रहे हो किसी फ़ोन के ऊपर तो आपको रिलायबल रहना पड़ेगा, 3 से 4 साल के लिए आपका फ़ोन चले या फिर ये फ़ोन 44,000 में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि शायद हो सकता है कि इस फ़ोन की प्राइस आपको ज़्यादा लग रही हो, 44,000 रुपये ज़्यादा है, शायद ज़्यादा है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फ़ोन कम से कम 3 से 4 साल के लिए चलाते हो तो इस फ़ोन में 3 से 4 साल के लिए आपको एंड्रॉयड की अपडेट देखने को मिलेगी। मतलब एंड्रॉयड 12 के साथ में आता है, फिलहाल के लिए 13 इसमें आ चुका है, 14 आपको मिलेगा, 15 भी आपको मिलेगा और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी। तो आपको 44,000 रुपये की कीमत में तकरीबन 4 से 4 साल का फ़ोन आप चला सकते हो। 4 साल मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये पर ईयर आपको इन्वेस्ट करने होंगे फ़ोन के ऊपर, ऐसा हो चुका है। तो हालांकि अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में या फिर बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पहली बार ए सीरीज़ में ऐसा फ़ोन आया जो प्लास्टिक बिल्ड तो आप कह सकते हो, बट बीच में जो फ्रेम दिया हुआ है वो मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का है, तो आपको थोड़ा सा सॉलिड फील होगा और आपको काफ़ी बिल्ड भी अच्छी है, काफ़ी क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम फील के साथ में आएगा। हालांकि इसमें पीछे की साइड में प्लास्टिक दी हुई है बट आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इस फ़ोन में प्लास्टिक जैसा कुछ है। बट हालांकि प्लास्टिक है बट हाई क्वालिटी की प्लास्टिक दी गई है क्योंकि पिक्सल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रखना था ना ए सीरीज़ के बीच में, 6 सीरीज़ के बीच में, 6 प्रो के बीच में, तो यहाँ पर प्लास्टिक की बिल्ड दी गई है। बिल्ड से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट दिया हुआ है, IP67 की रेटिंग दी गई है, मतलब वाटर रेसिस्टेंस है, डस्ट रेसिस्टेंस है, हल्के फुल्के साफ पानी में आप इसे ले जा सकते हो बट नॉट इन लाइक स्विमिंग पूल वगैरह में आप इसे नहीं लेके जा सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में एकदम सॉलिड फ़ोन है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है और काफ़ी सही फील देता है आपको। प्लास्टिक बहेगा तो उससे कई लोगों को इश्यू होगा बट आई थिंक दिस इज ओके क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे फ़ोन के साथ में हम पीछे की साइड में कवर लगाते हैं, तो डजेंट मैटर प्लास्टिक है फिर ग्लास या एल्यूमिनियम, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले के बारे में काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे हैं क्योंकि इस फ़ोन में 60Hz की डिस्प्ले दी हुई है और कई लोग बोल रहे थे कि शायद 90Hz की देनी चाहिए थी, 120Hz की देनी चाहिए थी। बट मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप डेली लाइफ में हार्डवेयर दिया हुआ है, इसमें पूरी बॉडी है, वो पूरी बॉडी तो आप यूज़ नहीं करोगे, जो अंदर का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वही आप फ़ोन में यूज़ करने वाले हो कि फ़ोन कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। अनलाइक इसमें 60Hz की डिस्प्ले दी हुई है, बस उसको ऑप्टिमाइजेशन जो किया हुआ ना वो काफ़ी कमाल का किया हुआ है, मतलब इसका जो स्ट्रोक एंड्रॉयड है उसके साथ में 60Hz काफ़ी कमाल का चल रहा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। लाइक आईफोन 13 में भी 60Hz की डिस्प्ले आती है और इसमें भी 60Hz की डिस्प्ले है और दोनों फ़ोन एकदम स्मूथ चलते हैं। इवन आई एम यूज्ड आईफोन 13 मैंने यूज़ किया हुआ है दोस्तों के पास में, तो सेम डिस्प्ले है, सेम स्मूथनेस है। अनलाइक एंड्रॉयड फ़ोन जैसे आते हैं सैमसंग, वीवो, शोमी वगैरह, उनमें 120Hz या 90Hz की स्पीड आती है बट दे आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड वेल। हाँ कह सकते हो उनमें रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, इसमें रिफ्रेश रेट कम है बट दिस इज़ ओके। हाँ हो सकता है कि शायद 3 साल बाद में आपको इसकी कमी महसूस हो बट मुझे नहीं लगता है ऐसी कमी आपको महसूस हो क्योंकि एंड्रॉयड की जैसे अपडेट आते जाएंगे, जैसे एनिमेशन में, जैसे आईफोन में एनिमेशन अच्छे आते हैं उसमें भी एंड्रॉयड में भी एनिमेशन काफ़ी कमाल के आएंगे। तो ये चीज़ आप भूल जाना कि डिस्प्ले बेकार है। एमोलेड डिस्प्ले दी हुआ है, 6.1 इंच का डिस्प्ले और काफ़ी मतलब काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है। आप मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें काफ़ी सही देखने को मिलता है आपको। और एक फ़ोन भी ऐसा है कि ये फ़ोन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि मिड रेंज के साथ में फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा है। प्रोसेसर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में क्योंकि बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं पिक्सल 6a के पहले पिक्सल 4a यूज़ कर रहा था तो इसमें केवल 3000mAh की बैटरी थी, इसमें 4410mAh की बैटरी है। बट अनलाइक जब से मैंने ये फ़ोन लिया ना तो मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि शायद अब मैं कोई ढंग का फ़ोन लिया हूँ जिसमें एक दिन के लिए मैं बैटरी चला सकता हूँ। क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा होता था पिक्सल 4 को मुझे 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता था, बट पिक्सल 6 में आपको केवल 1 बार चार्ज करना है और आपका बेड टाइम तक ये फ़ोन आराम से चलेगा, उसके बाद में आप चार्ज लगा सकते हो।
हेवी यूजर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल यूजर हो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, फ़ोन कम यूज करते हो, तो अनडाउटली आपके फ़ोन में लास्ट तक 30% बैटरी आराम से रहेगी। बैटरी के मामले में फ़ोन काफ़ी कमाल का। हालांकि हाँ, मैं कह सकता हूँ कि शायद चार्जिंग का जो इशू हो सकता है, 18 वोल्ट का चार्जर सपोर्ट करता है फ़ोन, और इस प्राइस रेंज के साथ में 18 वोल्ट काफ़ी कम है, क्योंकि पिक्सल 4a में भी शायद 18 वोल्ट का ही चार्जर सपोर्ट करता था और इसमें भी 18 वोल्ट का ही करता है। तो ये चीज़ गूगल ने कॉम्प्रोमाइज़ की, क्योंकि उसमें 25 वगैरह 30 वगैरह वोल्ट का चार्जर सपोर्ट करता था 6 सीरीज़ में, बट इसमें आपको 18 वोल्ट के साथ में एडजस्टेबल करना पड़ेगा। फ़ोन थोड़ा सा हीट करता है चार्जिंग के दौरान और फ़ोन को चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। बैटरी कमाल की है, बैटरी में आप दिक्कत मत लीजिए, 4400 mAh की बैटरी और काफ़ी अच्छी चलेगी। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ के बारे में, इसके कैमरा के बारे में। जो दो कैमरा दिए हुए हैं पीछे, वो 12+12 में आपसे दो कैमरा दिए हुए हैं। सेम सेंसर है जो कि पिक्सल 4a में आता था, वो ही इसमें दिया हुआ, बस इसमें वाइड एंगल का कैमरा दिया हुआ, वो भी काफ़ी कमाल का है, मतलब काफ़ी सही है। आपको डायनेमिक रेंज वगैरह काफ़ी अच्छी देखने मिली। फ्रंट में 8 MP का कैमरा दिया हुआ है जो कि 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकता फ्रंट वाला कैमरा, और स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं भीड़ भाड़ में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसमें ये फ़ोन आपका मतलब काफ़ी सही क्लियर आवाज़ देगा। ये फीचर बैक कैमरे में भी आ चुका है, बैक कैमरा अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन दिया हुआ है, पर वो 1080p 30fps पे ही काम करेगा। तो आप उसमें व्लॉग वगैरह बनाना चाहते हो तो उसके दौरान अच्छा है। बैक कैमरा 4K 60fps में सपोर्ट करता है, और लाइक 4K 30fps में वाइड एंगल यूज़ कर सकते हो, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। कैमरा काफ़ी कमाल का, काफ़ी कमाल का, मतलब काफ़ी इतना कमाल का कि मैं तारीफ करता करता कम हो जाऊँ, क्योंकि हालांकि सेंसर 3-4 साल पुराना है, बट फिर भी गूगल ने सॉफ्टवेयर के साथ में ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा किया हुआ है, इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक कहीं फ़ोन में आता ना 64MP का कैमरा, 108MP का कैमरा, बट ये 12MP का जो कैमरा ना, वो भाई साहब काफ़ी कमाल का है। आप सब्जी वाले आ गए मेरे गले में सब्जी बेचने, तो थोड़ी देर वो निकल जाए, उसके बाद में ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, कैमरा काफ़ी कमाल का है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल कैमरा, मतलब इस रेंज की डिवाइस में वीवो वगैरह में अगर आप देखते हो कह सकते हो उनमें अच्छा हो सकता है। ओके, सो केले वाला गया, अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में। फ़ोन मैंने बताया आपको काफ़ी कमाल का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा है, मतलब अब तो अपग्रेड करने के बाद में, जैसे मैंने 4a से 6a में अपग्रेड किया तो मुझे काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, मतलब लाइक टेंसर चिप आने के बाद में इसकी डायनेमिक रेंज काफ़ी कमाल की हो चुकी है, काफ़ी कमाल की हो चुकी है, मतलब स्काई वगैरह आप कैप्चर करते हो तो उसमें काफ़ी कमाल की डायनेमिक रेंज आती है। बात कर लें इसके स्पीकर और कॉल क्वालिटी के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन दिस प्राइस रेंज, मतलब सैमसंग में भी शायद आईफोन के भी स्पीकर इससे थोड़े से कम आपको महसूस होंगे, इतनी अच्छी और क्लियर आवाज़ है। पिक्सल 4a में भी आवाज़ काफ़ी अच्छी आती थी, बट इसमें आवाज़ और भी कमाल की है। कॉल क्वालिटी में भी स्पीकर यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें डुअल स्पीकर दिए हुए हैं, स्टीरियो स्पीकर एक नीचे और एक ऊपर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड क्रिएट होगा, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए फ़ोन काफ़ी कमाल का। अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में, तो इसमें एंड्रॉइड 12 दिया हुआ है और एंड्रॉइड 13 की अपग्रेड ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर एंड्रॉइड 13 पे फ़ोन मेरा वर्क कर रहा है, और ये फ़ोन मतलब क्लीन एंड्रॉइड के साथ बनता है, इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे गूगल से क्लीन एंड्रॉइड बनता ना, वो वाला एंड्रॉइड आपको इसी फ़ोन में देखने को मिलेगा, और किसी भी फ़ोन में ऐसा एंड्रॉइड आपको देखने को नहीं मिलता है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी, कुछ भी आप चलाते हो, अभी तो फ़ोन जाता कुछ भी आप चलाते हो तो एकदम स्मूथली फ़ोन रन करता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती। पहले लाइक स्टॉक एंड्रॉइड में ऐसा कोई यूनिक चीज़ें नहीं होती थी, बट अब भी नहीं है, बट काफ़ी सारी गूगल की जो फीचर अपडेट होती है, फीचर अपडेट हर 3 मंथ में आती है, वो काफ़ी कमाल का इस फ़ोन को नया फील कराती है, मतलब आने वाले 3 साल तक ये फ़ोन आपका लेटेस्ट जो फीचर आएंगे पिक्सल सीरीज़ में वो उनके साथ में ये रन करेगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बात करें सबसे मेन टॉपिक के बारे में, तो वो है टेंसर चिप। अब कई लोग बोल रहे थे ना प्राइस इतनी क्यों है, क्योंकि प्राइस का रीज़न ये है कि इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया हुआ है, छोटा पैकेट बड़ा दमागा हो चुका है एक तरीके से मान सकते हो, तो जो पिक्सल 6 और 6 प्रो में जो प्रोसेसर दिया हुआ था वही प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है, और काफ़ी कमाल तरीके से, हालांकि गेम वगैरह में थोड़ा सा फ़ोन एडिट कर सकता है, बट इंस्टाग्राम कुछ एडिट कर रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये फ़ोन काफ़ी कमाल का है, काफ़ी कमाल का, मतलब काफ़ी सही बैटरी लाइफ मेंटेन करता है। टेंसर चिप से कहीं भी कोई भी दिक्कत मुझे ऐसी महसूस नहीं हुई है, और मैं अगर फाइनल वर्डिक्ट बताऊँ मेरा, मतलब इस फोन को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो शायद आपको मान लीजिए 37-38 हज़ार में कहीं फ़ोन मिल रहा है तो ठीक है ले सकते हो, बट 44 हज़ार पर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बिग बिलियन डेज वगैरह आप ट्राई कीजिए, उसमें आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत है मुझे इस फोन के साथ में देखने को मिली, अगर मोबाइल डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो उस दौरान ही थोड़ा सा हीट करेगा,
और चार्जिंग के दौरान भी हीट करेगा, और कैमरा अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस दौरान तो पिक्सल फोन हीट करते ही करते हैं। बाकी इस फोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर के साथ में सारी दिक्कतें फिक्स हो जाएगी। और जिन लोगों को फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा था पहले, वो इशू अब इसमें हट चुका है, कोई भी इशू नहीं है, आराम से फिंगरप्रिंट ठीक हो चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में। सो ये मेरा पिक्सल 6a का रिव्यू था, काफ़ी सही फ़ोन है, मतलब मैं इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन को रेकमेंड करता हूँ। थोड़ी सी कम प्राइस हो तो बहुत बेटर है, बट अनलाइक सैमसंग जो स्टॉक एंड्रॉइड के फ़ोन है, फैन है, गूगल के फ़ैन है, कैमरा के फ़ैन है, अनडाउटली इस फ़ोन के साथ में जा सकते हैं। गेमर्स इस फ़ोन के साथ में नहीं जाएँ तो बेटर रहेगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।